सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों के लिए साफ व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के खुजवापुर गांव में पिछले एक साल से हैंडपंप खराब होने के कारण मलखान सहित कुल 500 लोगों को पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे समस्या है, पाइप की बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, पाइप में पानी नहीं मिलता। और दूसरी बात, एक तो भट हो गया पाइप, दो पाइप हमारे पूर्व में है टोटल गांव में। दूसरे पाइप में इतनी भीड़ लगती है, कोई बच्चे भी खाना अगर खाता तो उसको भी पानी जल्दी मिलता नहीं है। हमारे जनसंख्या यहाँ तो कम से कम नहीं तो 500-600 से नीचे नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ रिबोर हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, और हमारे गाँव की भलाइयाँ हो जाए, अच्छी बात है। दिक्कत यही है कि पानी भरने जाते हैं, भीड़ काफ़ी लगती है, बच्चे सयान जो भी जाते हैं पानी में भरने में लड़ाई करते हैं। वहाँ पानी किसी को टाइम पे मिलता है, किसी को नहीं मिलता, मार तोड़ शुरू कर देते हैं। बाहर जाते हैं भरने तो वहाँ भरने नहीं देते पानी। हैंडपम्प रिबोर के काबिल है, उसको बनवाने के लिए आपने क्या प्रयास किया है? प्रयास किया, प्रधान जी से किया। समस्या है कि पानी का हमारे यहाँ बहुत दिक्कत, दो पाइप थे, एक पाइप एकदम भ्रष्ट हो चुका था, एक पाइप बचा भी उसमें फिर भी नहीं बनी, बहुत गंदा है पानी के लिए, वो समस्या खराब है। 500-600 हमारे गांव के सब हैं, उसमें बहुत लाइन लगती है, कोई भर पाता है, कोई भर नहीं पाता है, इसी में लड़ाई दंगा अपने आपस में करते हैं। तो इस समस्या का हमें सोचते हैं कि हमको पाइप हमको चाहिए रिबोर के लिए, रिबोर ला का है, तो हमको रिबोर हमको मिलना चाहिए। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इन हैंडपम्पों का जल्द से जल्द रिबोर व ठीक कराया जा सके, जिससे इनकी समस्या दूर हो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-45-75 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इनकी समस्या दूर कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।